क्या होगा महंगा क्या सस्ता, वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हुजम 9000 अरब रुपए से जायद, दिफाई बजट का हिस्सा 1523 अरब रखने की तजवीज़। सब्सिडीज की मद में 578 अरब मुख्तस करने का इम्कान। बजट खसारा 4000 अरब रुपए से जायद होगा। अवाम पर 7000 अरब के टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ने का इम्कान। IMF की कड़ी शरायत पर पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म हो सकती है। तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा। IMF रजामंद। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 4400 अरब की खती रकम कर्जों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस। सूबों को 4200 अरब मुंतकल करने का तखमीना। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रखने की तजवीज़। हुकूमती उमूर को चलाने के लिए 527 अरब रुपये रखने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की मंजूरी दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से वफाकी काबीना को बजट के निकात पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेरे सदारत 4 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुत्तहिदा हुकूमत का अहम इजलास। इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों के मेंबरान कौमी असम्बली शरीक। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों को बजट के हवाले से एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-खजाना मिफ्ता इस्माइल की इजलास में इत्तेहादियों को ब्रीफिंग। पंजाब असम्बली का बजट इजलास तलब कर लिया गया। पंजाब का बजट पंजाब असम्बली में 13 जून को दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। बजट कौन पेश करेगा इस हवाले से नोटिफिकेशन होना बाकी। महंगाई के तूफान से कबल, महंगाई का झटका। खाना पकाना पहुंच से बाहर जाने लगा। घी और ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। घी कुकिंग ऑयल 25 रुपये महंगा। फी किलो घी की कीमत 580 रुपये, फी लीटर कुकिंग ऑयल की 590 रुपये हो गई। कीमतों का इतलाक कर दिया गया। डॉलर ऊपर रुपया नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 1.73 रुपये महंगा, 202.50 रुपये पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 203 रुपए हो गई। हुकूमत की आवाम पर एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने का फैसला। सेल्स टैक्स आयद किए जाने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। महंगाई में इजाफे से गुरबत में मजीद इजाफा होगा। सब्सिडी पेट्रोल में ये कर्ज जो दे रहे हैं लेके लेवी बढ़ा रहे हैं सर। आप 9 रुपए आज है पेट्रोल के ऊपर, मतलब 28 रुपए है डीजल के ऊपर, तो ये फिर बढ़ेगी जी। ये कीमतें या एडजस्ट करनी पड़ेंगी वक्त के साथ। अगर कीमत में कमी होती है एडजस्ट हो जाएंगी, वरना आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। बोले पेट्रोल पर 9, डीजल पर 28 रुपए सब्सिडी है।
ये सब्सिडी नहीं कर्ज बढ़ रहा है। वक्त के साथ ये कीमतें या तो एडजस्ट होंगी या बढ़ानी पड़ेंगी। बजट में जितना मुमकिन हो सका रिलीफ देंगे। एमएनए आमिर लियाकत की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में होगी। बच्चों की मजहमत, पोस्टमार्टम ना करवाने के लिए हल्फनामा जमा करवा दिया। पुलिस के आला ऑफिसर का बच्चों का हल्फनामा लेने से इनकार। बोले सिर्फ अदालती हुक्मनामा ही पोस्टमार्टम रुकवा सकता है। आमिर लियाकत अपने ही घर में मुर्दा हालत में पाए गए। मौत की वजह क्या बनी, तहकीकात जारी। तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ केसेस फवाद चौधरी, कासिम सूरी और दीगर को गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म 28 जून तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखला को मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। लॉन्ग मार्च से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। पीटीआई कयादत जिम्मेदार करार। आईजी इस्लामाबाद ने अदालती सवालात के जवाबात जमा करवा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 77 लोगों को 19 मुकदमात में गिरफ्तार किया। मुजाहिरीन ने दरख्तों को जलाया। पार्टी कयादत ने मुश्तैल अफराद को पुलिस के साथ मजाहमत की तरगीब दी। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। इमरान खान की तकरीर के वीडियो क्लिप्स रिपोर्ट का हिस्सा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद का केस, इंसदादे दहशतगर्दी। लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी रोक दी। पीटीआई के 14 रहनुमाओं की अगवूरी जमानतें 17 जून तक मंजूर। हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने अगवूरी जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। महंगाई कहाँ जाएगी, ये आज पाकिस्तानी शहरी तनख्वाहदार तबका, मुतवस्सित तबका और रिस्क के हलाल से रोजी कमाने वाला तबका जो है इसके बारे में फिक्रमंद है। रोशन डिजिटल अकाउंट में लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था वो आप उसको मैच्योरिटी पर विड्रॉ करने का सोच रहे हैं। मुतअद्दिद रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। ये तमाम मुकदमात झूठे और फर्जी कहानियां घड़ी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले महंगाई के बायस तनख्वाहदार तबका शदीद मसाइल का शिकार हैं। लोग डिजिटल अकाउंट में जमा किए पैसे निकालने का सोच रहे हैं।